अगर हम देश भर के सरकारी स्कूलों की व्यवस्था को ठीक करना चाहते हैं तो पेरेंट्स और जो स्टूडेंट्स हैं उनको खुद मोर्चा संभालना पड़ेगा। निजी स्कूल में जो लूट होती है और जो फीस का दबाव अक्सर पेरेंट्स के ऊपर होता है, उसका इलाज भी जो है वो सरकारी स्कूल को सुधार करने के लिए है। इसलिए जो पेरेंट्स अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में भेजते हैं, उनको भी सोचने की जरूरत है कि सरकारी स्कूल ठीक हो तो उनके ऊपर फीस का दबाव खत्म हो सकता है। ये हम जो कह रहे हैं वो हम पिछले 25 साल से जो शिक्षा के क्षेत्र में कानूनी और कानून से बाहर जो एक संघर्ष कर रहे हैं उसके आधार पर कह रहे हैं। अभी हमने पिछले एक साल के अंदर देश के कई राज्यों का दौरा किया और सरकारी स्कूलों को वहां पर देखा, जिसके अंदर बिहार, आप कह सकते हैं बिहार और महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, और हमने देखा कि सरकारी स्कूलों की हालत पूरे देश में ही खराब है और जो राज्य हैं, जो सरकारें हैं वहां पर, वो उसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहती हैं। तो आप ये देखिए कि जो बुनियादी चीजें हैं स्कूल के अंदर, एक स्कूल में होनी चाहिए, पानी, बैठने की व्यवस्था, टीचर, सफाई, टॉयलेट ब्लॉक, सेफ बिल्डिंग, बाउंड्री वॉल, बुक्स, सब गुम है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि सरकारी स्कूलों को ठीक किया जाए। और जो हमने फैक्ट्स इकट्ठे करे, उसकी रिपोर्ट्स बनाई, वहां के गवर्नमेंट को चिट्ठी लिखी और उसके बाद हमने अलग अलग हाई कोर्ट्स में, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में केस किया, राजस्थान हाई कोर्ट में केस किया, उड़ीसा हाई कोर्ट में केस किया और अभी लेटेस्ट नागपुर हाई कोर्ट में केस किया, जहां 11 11 जनवरी 2023 को हाई कोर्ट ने, नागपुर हाई कोर्ट ने स्टेट ऑफ महाराष्ट्र को नोटिस इशू किया है कि जो स्कूल हमने वहां पे गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट के अंदर विजिट किए, उनकी जो हालत थी उसको जो हाईलाइट किया, उसके ऊपर उनसे जवाब मांगा है। अब ये ठीक है कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से कुछ होता है, इसमें कोई शक नहीं है। हमने हरियाणा में भी देखा, जब पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा राज्य को नोटिस इशू किया और खिंचाई करी, तो कई जो खतरनाक बिल्डिंगें थी स्कूल की उनको बदला गया। अभी कहीं टीचर्स की भी व्यवस्था की गई है। उड़ीसा में तो यह हुआ कि केस डालने से और उनके ऑर्डर से वहां पर कम से कम ही तो 200-300 जो स्कूल सिर्फ 10वीं क्लास तक के थे, गवर्नमेंट ने उनको ऑर्डर किया कि इनको 12वीं तक किया जाए, क्योंकि उसमें यह प्रॉब्लम होती थी कि 10वीं तक स्कूल होने की वजह से जो है बच्चे डिसकंटिन्यू हो जाते थे और बहुत सारे बच्चे और खासकर लड़कियां ड्रॉप हो जाती थी। तो इस तरीके के कुछ कुछ अचीवमेंट्स हुए हैं, नो डाउट, और हम ये कहना चाहते हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है वो काफी रेलिवेंट है। अभी दिल्ली हाई कोर्ट में हमने एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल किया और कहा कि केंद्रीय विद्यालय के अंदर जो है स्पेशल एजुकेटर्स रेगुलर बेसिस पे है नहीं, तो हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया कि 8 हफ्ते के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट और केंद्रीय विद्यालय जो है वो स्पेशल एजुकेटर्स की पोस्टों को सैंक्शन करेगी। और हाईकोर्ट ने अपने ऑर्डर में ये भी नोट किया कि राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंदर जो है अब बदलाव आया है, अमेंडमेंट आया है, जिसके हिसाब से जो हरेक स्कूल, देश का हरेक स्कूल जो है उसको कम से कम एक स्पेशल एजुकेटर जो है रेगुलर बेसिस पे रखना पड़ेगा। तो आप समझ लीजिए कि कितने लाख रेगुलर स्पेशल एजुकेटर्स जो है इस देश में स्कूलों में अपॉइंट होंगे इस एक्ट
एक्ट के हिसाब से, और जो करोड़ों बच्चे हमारे डिसेबल्ड बच्चे जो स्कूल में है और जो स्कूल से बाहर है, उनको जब स्पेशल एजुकेटर मिलेगा और उनको व्यवस्था मिलेगी, तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा कदम होगा फॉर एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन ऑफ विद डिसेबिलिटीज। अभी जो खास पॉइंट मैं जिक्र करना चाहता हूं, वो ये करना चाहता हूं कि किस तरीके से पेरेंट्स और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो कैसे मोर्चा संभालेंगे है? तो उसका एक लीगल तरीका है। लीगल, हम उनको लीगल टूल्स चाहते हैं कि वो पेरेंट्स जो है वो लीगल टूल्स इस्तेमाल करें। और लीगल टूल्स क्या है, अभी आप देखिए कि एक बहुत ही अच्छी हमें लगा कि ओडिशा के अंदर जो स्पेशल एजुकेटर की पोस्ट पे भर्ती होना चाहते हैं, सैकड़ों की तादाद में हमारी सलाह के ऊपर हमने उनसे कहा कि आप जो पेरेंट्स हैं डिसेबल्ड बच्चे के, उनसे सेक्शन 80 का नोटिस आप जो है चीफ सेक्रेटरी को भिजवाओ। तो उन्होंने सैकड़ों की तादाद में आप देखेंगे, ये देखिए इस तरीके से ये नोटिस है सेक्शन 80 सीपीसी के अंदर, और उसमें लिखा है कि मेरा बच्चा डिसेबल्ड है और फलाने स्कूल में पढ़ता है लेकिन स्पेशल एजुकेटर नहीं है, और 2 महीने के अंदर आप स्पेशल एजुकेटर अपॉइंट करो। उसके बाद मैंने पूरे देश के जो इस तरीके के कैंडिडेट्स थे स्पेशल एजुकेटर्स के, उनको मैंने कहा, अपील करी कि आप भी इस तरीके से अपने स्टेट्स के अंदर जो है पेरेंट्स के साथ, पेरेंट्स से नोटिस भिजवाइए। तो ये जो नोटिसेज हैं, मुझे लगता है कि सिर्फ वही पेरेंट्स नहीं जिनके बच्चे डिसेबल्ड हैं, जो दूसरे पेरेंट्स हैं और जिनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, उनको भी इस तरीके का नोटिस भिजवाना चाहिए चीफ सेक्रेटरी को कि मेरा बच्चा जो है फलाने गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है और वहां पे पानी नहीं है या बिजली नहीं है या बैठने की व्यवस्था नहीं है या टीचर नहीं है या क्लासरूम्स नहीं है या सफाई नहीं है, इस तरीके की जो शिकायतें हैं, बाउंड्री वॉल नहीं है, स्पेशल एजुकेटर नहीं है, इस तरीके की शिकायत जो है वो नोटिस के थ्रू भेजे। और इस नोटिस के बाद क्या करना है हमको, क्योंकि हमने ये समझ लिया है कि पेरेंट्स के इन्वॉल्वमेंट से ही बदलेगा और ये पक्का बदलेगा, तो 2 महीने के बाद जैसे ये नोटिस पीरियड खत्म होता है, पेरेंट्स को नजदीक की जो दीवानी अदालत है, तहसील में है, तालुका में है, उसमें 2 महीने के बाद उनको अपना दावा डालना है, सूट फॉर मैंडेटरी इंजेक्शन। उसमें कोई खास खर्चा नहीं होता, उसमें वकील की भी खास जरूरत नहीं है, पेरेंट खुद जाके खड़ा होगा कोर्ट के अंदर और कहेगा कि सर मेरा बच्चा जो है सरकारी स्कूल में पढ़ता है फलाने में, और मैंने 2 महीने का नोटिस भी दिया था, वहां पे टीचर नहीं है या पानी नहीं है, तो आप इसके अंदर निर्देश दीजिए वहां के चीफ सेक्रेटरी को है? तो इस तरीके से अगर होगा, और आप देखेंगे कि अगर आप ऐसे करते हैं तो जो जजेस हैं वो काफी इंटरेस्ट लेंगे और पूरा सिस्टम जो है ना बदला जा सकता है। और मेरा तो कहना यह है कि अगर देश भर में जिन पेरेंट्स जिनके बच्चे सरकारी स्कूलों में जाते हैं और जहां जो मिनिमम नॉर्म्स हैं, राइट टू एजुकेशन एक्ट है, ये देखिए आप, ये राइट टू एजुकेशन एक्ट है ना 2010 का, 2009 का, और आज कितने 12-13 साल हो गए हैं, इसमें मिनिमम नॉर्म्स दिए हुए हैं। देखिए अगर आप देखते हैं, ये मिनिमम नॉर्म्स है, स्टेच्यूटरी मिनिमम नॉर्म्स है, ये तो होना ही चाहिए मतलब स्कूल के अंदर। और अगर नहीं होता है तो सिर्फ हमें यही बेसिक लड़ाई लड़नी है कि कम से कम जो राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंदर मिनिमम नॉर्म्स दिए हुए हैं वो तो कम से कम वहां पे अवेलेबल हो। और अगर हम इसको लेके लड़ते हैं और पूरे देश के पेरेंट्स एकजुट हो जाते हैं, तो मुझे लगता है कि पूरी शिक्षा व्यवस्था को ना हम बदल सकते हैं। इसलिए मैं देश भर के पेरेंट्स, सभी पेरेंट्स को जिनके बच्चे स्कूल नहीं भी जाते उनको भी, और जिनके बच्चे प्राइवेट में जाते हैं उनको भी, और जिनके खासकर सरकारी स्कूलों में जाते हैं, उन सबसे मैं अपील करता हूं कि आप जो है अपने राज्य में जो मुख्य सचिव है उनको सेक्शन 80 का पहले नोटिस दो, 2 महीने का सीपीसी का, और उसके बाद नजदीक की अदालत में अपनी शिकायत को लेकर जाओ। और मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं कि अगर हम सब लोग इन्वॉल्व होते हैं तो 6 महीने के अंदर हिंदुस्तान में जो है सरकारी स्कूल की व्यवस्था का जो चित्र है वो बदला जा सकता है। तो मुझे उम्मीद है
देश भर में जो खासकर हमारे स्पेशल एजुकेटर्स के नौकरी के लिए कैंडिडेट्स हैं देश भर में, वो उनके पेरेंट्स जिनके बच्चे डिसेबल्ड हैं उनसे नोटिस लिखवाएंगे, उनके वीडियो बनाएंगे, अपलोड करेंगे हैं, और उसके बाद 2 महीने के बाद उनसे केस डलवाएंगे। तो सिर्फ स्पेशल एजुकेटर्स ही नहीं अपॉइंट होंगे, दूसरी जो व्यवस्था है उसमें भी बदलाव आएगा। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि सब लोग, देश के लोग इकट्ठे एकजुट हों और ये व्यवस्था बदले, क्योंकि हम लोगों को समझना चाहिए कि जब तक सरकारी स्कूल का सिस्टम ठीक नहीं होगा, आप देखिए चाइल्ड लेबर बढ़ेगा, ड्रॉप आउट बढ़ेगा, और धीरे धीरे सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, आपको फोर्स किया जा रहा है कि आप प्राइवेट स्कूल्स में जाइए और वहां पे आपको लूटा जाएगा, और जो पैसे नहीं दे सकता उसके बच्चे तो पढ़ भी नहीं पाएंगे। क्या हम ऐसा देश चाहते हैं? ये जो गैर बराबरी जो हमारा देश के अंदर समस्या है, इसका इलाज कैसे होगा? इसलिए मैं सब लोगों से, देश के सभी लोगों से जो है अपील करता हूं कि एकजुट होकर सरकारी स्कूल की व्यवस्था को ठीक करें। उसी पे आधारित है आपका प्राइवेट स्कूल की लूट पे भी आप लगाम लगा सकते हैं। थैंक यू।